ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ हालांकि बीते दिन मीह हनेरी आने कारण किसानों नूं काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा पर इसके बावजूद भी किसानों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। अजिहे च लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस वालों एक वीडियो सोशल मीडिया से साझी की गई है जिस विच सिमरजीत सिंह बैंस वालों कहा जा रहा है कि आलमगीर सेवक जत्थे वालों किसान अंदोलन च हिस्सा पाने लई भांडे ते कुछ होर समान दिल्ली भेजा जा रहा है। उथे ही सिमरजीत सिंह बैंस वालों यह भी कहा जा रहा है कि किसान अंदोलन महज किसानों का अंदोलन नहीं है सगो इस अंदोलन च हर वर्ग के लोगों वालों अपना समर्थन किया जा रहा है। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਬਾਜੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, 33 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਮੈਂ ये सारी संगत जी आले दुआले के सत्कारयोग वीर भैणा, मैं खड़ा गल करता सी इन्हां नाल भी जसपाल दे नालों करोड़ों लोग धन दौलत दे विच पैसे टके च जमीन जायदाद दे विच उत्ते होंगे, पर ये गुरु की कृपा किसी किसी दे हुंदी है जिन्हों गुरु जिगरा वड्डा दिंदा दान कर। सो ये दोस्त अज का नहीं, हुण दा नहीं, जदों तो मैं देखिया इस दोस्त नूं, इस दोस्त ने हमेशा धार्मिक कार्यां दे विच इन्नी वड्डी रुचि दिखाई आ। किसे गुरु घर नूं कोई ट्रॉली चाहीदी आ, कोई चाह वाला जगाट चाहीदा, किसे नूं झाड़ू चाहीदे आ, किसे नूं रेहड़ियां चाहीदियां, बेलचे चाहीदे आ, खुरचने चाहीदे आ, जां दाल पाउण वालियां ट्रॉलियां कटोरियां, जो समान चाहीदा वो सारा बना के देना। आ दोस्त दी छोटी जी दुकान हैगी आ भाई लालो दी किरत कहूँगा, ते नाल ही पिछले पास इन्हों का घर आज का समान सारा देख रहे हो, बहुत सारा समान के अंदर भी पिया। ये सारा समान तीर्थ यात्रा समान, वो अंदोलन जिन्हों पूरी दुनिया के दुनिया संत लोगों की हमायत हासिल है, वो अंदोलन जिहड़ा कल्ला किसान का जां मजदूर का नहीं हैगा, वो अंदोलन जिहदे घर चुल्हा बलदा, ये अंदोलन हर जिथे चुल्हा बलदा ना, ये हर उस घर जुड़िया, हर उस इंसान ना जुड़िया जिहड़ा अन्न खांदा, क्योंकि अन्नदाते दा अंदोलन है। ये मत सोचो भी ये किसान दे गल फाह पैण लग्या काले कानूनां वाला, ये जिहड़े उपभोक्ता है ना, आपां राशन लैण जांदे आ, राशन तो बिना अन्न तो बिना गड्डी है नहीं, जिहड़ी चीज़ मन के चलो भी 20 रुपये किलो वाली है, जितने कानून ने अपना रूप अख्तियार कर लिया 20 रुपये वाली चीज़ किलो वाली चीज़ तुहानूं 100 रुपये किलो ना मिले। तो ये दोस्त किसान अंदोलन वास्ते पहला भी बहुत बारी समान लैके गया, अच्छ फिर ये समान जिहड़ा तैयार किया गुरद्वारा साहिब साहिब आलमगीर सेवक जथा लंगर हाल। मैं जसपाल के सारे दोस्तों का इस वजों ऋणी हाँ, धनवादी हाँ, सारी संगत का धनवादी हाँ, जिहड़े बड़ा उत्साहित करते हैं। कई बंदे नैगेटिव प्रवृत्ति के होंगे आ, नकारात्मक गल्लां, तू की लैणा, तैनूं की लोड़ है, तू अपने बाल बच्चों का कर, तू अपने टब्बर पीर का कर, तैनूं किसी ने की दे, बड़े लोग इदां दे आउंदे जिन्हां दा नैगेटिव रवैया ते ध्यान। पर मैं सारे सत्कारयोग कोट मंगल सिंह के वासियां दा जिहड़े इहनूं उत्साहित करन वास्ते आउंदे, मैं अपने सारे प्रोग्राम छड्ड के मैनूं कल दसण लई गए कि असीं किसान अंदोलन दे विच समान भेजणा, मैं सारे रझेवे छड्डे, मैं कहा यार
सिमरजीत बैंस ने कहा कि कुछ लोगों ने भुलेख है कि किसान अंदोलन खत्म हो चुके हैं। बैंस ने कहा कि अजिहा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने अंदोलन च डटे बैठे किसानों लिए तरीफा के पुल बने और इस ही उन्होंने मोदी सरकार को जम के लानत भी पाई। अज तुहानू लगता है कि किसान अंदोलन संगत घट गई? दोस्तों सिरडी योधे बैठे आ उत्थे, मैं जिवें कहा भी ये तीर्थ स्थान तो वध के आ उत्थे साडियां 90-90 साल तो उत्तों दियां बजुर्ग मातावां बैठियां ने। वो अंदोलन बिना किसी प्राप्ति तो किता उठ के आजूगा। संगत ठीक आ, कोई शक उन्हां दा रौला पै गया, कुछ बाढ़ी चक्कर लग गए, इस करके थोड़ी संगत घट गई उत्थे। पर उत्थे बैठे वो लोग उन्हां नूं सिजदा करना पड़ा, उन्हां दी इस दृढ़ता दे अगे जिहड़ी इक हंकारी अपने आप नूं डिक्टेटर समझते तानाशाह के विरुद्ध उन्हों की दृढ़ता उन्होंने सीधा करना पड़ता है। जेडे ना पहला भर सर्दी के प्रवाह मारी तो होना गर्मी किन्ने झखड़ के तूफान चले, आप वीडियो देखिए किमें उत्थे बनाए हुए रैन बसेरे तूफान के उठ गए, किदा साढ़े बजुर्ग साढ़े नौजवान साढ़े सारे किसान के मजदूर साथी किस तरीके मीह के रोंदे आ। अज बेशर्म हो गई साड़ी सरकार, अज केंद्र की सरकार इतनी बेशर्म हो गई कि उन्होंने इं महसूस होने लग गया भी ये राज साडा जद्दी पुछती है। ये भावना क्यों बड़ी हुई है? ये भावना दोस्तों इस करके बड़ी है क्योंकि जी ईवीएम की चाबी को ना कोई मुख्यमंत्री होवे कोई प्रधानमंत्री होवे डर हों, वोटर लोगों का डर हों कि मैं 5 साल बाद फिर वोटर को जाना, लोग मेरा फट्टी बस्ता चुका देंगे मैनू हरा देंगे। पर इतने कोई डर नहीं है, इतने मोदी एंड मोदी गवर्नमेंट को कोई डर नहीं गा। इस गल तो साफ जा रहा कि ईवीएम की चाबी ये मोदी एंड कंपनी के कोल है। वह कहते लोग बोलते देश के बोली जाए है उन्होंने डर भौकते। लोकतंत्र मतलब कि लोगों का राज, लोगों तो डरदियां सरकार, लोगों तो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री डरते हैं। पर अज मोदी एंड कंपनी की निडरता का सिर्फ सिर्फ इको कारण है कि वो को ईवीएम की चाबी है। वो राज विधानसभा दलैक्शन नहीं छेड़छाड़ करता थानू जचाने वास्ते देश के लोगों को लो भी इतने फ्री एंड फेयर होया काम आजादा ना तौर पर जिदा पछमी बंगाल की उदाहरण ला लो होर सूबे दियाँ ला लो, वो लोग सभा वे सारा कंट्रोल को रखता। फिर जोड़े लोग बोलते हैं ना फिर ये बीजेपी मोदी एंड कंपनी ये कहती है भी जदों स्टेटा के असी हारे से उदों तो ईवीएम का रौला थोड़ा याद नहीं आया, अज लोग सभा के असी जित गए तो अच्छे ईवीएम की ठगी। सो इन्हों का पैटर्न हैगा, इन्हों की रणनीति आ कि सूबिया दियाँ असंबली इलैक्शन मौके ईवीएम के नाल छेड़छाड़ नहीं, जदों देश की इलैक्शन आने उदों ईवीएम की चाबी अपनी जेब के कितों किहड़े उम्मीदवार को हरा तो किनू जिता फिर इन्होंने हथ दे सारा कुछ। तो दोस्तों 100 दिन चोर का एक दिन साध आ जरूर, तो गुरु कृपा करे वो अंदोलनकारी संगत जी दिल्ली के बॉडर के उत्ते बैठती है, गुरु के चरणों से अरदास बेनती है कि गुरु साहब कृपा करो उन्होंने सेहत याबी बख्शिश करो, उन्होंने बुलंद हौसले चढ़दियाँ कलां बख्शिश करो। तो ये अंदोलन असी सारे कामना करते हैं, साड़ियाँ दिल दियाँ तारा उस अंदोलन के नाल जुड़िया पूरे देश के आप सब लोगों दियाँ दिल दियाँ तारा जिहड़े जिस्मानी तौर पर नहीं जा सके उन्हों का दिल उन्हों का मन उस अंदोलन के संघर्षी लोगों के नाल हैगा। सो गुरु साहब कृपा कर ये अंदोलन सफल होवे, ये अंदोलन अपने मिथे हुए टीके प्राप्त करके तीनों काले कानून रद्द करा के वापस उठे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दस दी कि किसान पिछले 6 महीने तो दिल्ली के बार्डर से डेरे लाई बैठे ने। किसानों का कहना है कि वह खेती कानून रद्द करवाए बिना किसी भी हालत वापस नहीं जाएंगे, पर उतें ही मोदी सरकार भी अपने फैसले से लगातार कायम नजर आ रही है। हालांकि किसानों की करीब 11 बार केंद्रीय मंत्रियों नाल मीटिंग हो चुकी है, पर मीटिंगा बेनतीजा रही ने ते किसान भी लगातार अपने संघर्ष नूं तेज कर रहे ने। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।